हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जिंदगी पर जवान रहने के लिए एक चम्मच रोजाना इस चूर्ण का खाना शुरू कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आयुर्वेदिक गुणकारक औषधि के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आपके घर पर भी इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि सभी लोग इसे ले सकते हैं, साथ ही आप इसे वेट गेन के लिए भी ले सकते हैं और वेट लॉस के लिए भी ले सकते हैं। इसका नाम है रासायनिक चूर्ण। आयुर्वेद में उत्कृष्ट रसायन कहा जाता है। रसायन चूर्ण बीमारियों को खत्म करने के साथ साथ एक टॉनिक के काम भी करता है। ये हमारे सभी धातुओं को बढ़ाने वाला है, शुक्र धातु को भी बढ़ाता है। किसी को अगर यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कम करता है। हमारी आयु को बढ़ाने के लिए, लंबी उम्र के लिए भी ये मदद करता है। साथ ही बालों के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। वात, पित्त, कफ, शरीर में इन तीनों दोषों को बैलेंस बनाए रखने में भी ये मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको इसके पूरे फायदे चाहिए तो आपको इसकी पूरी जानकारी होना आवश्यक है कि आयुर्वेद में इसके क्या गुण धर्म बताए गए हैं, कौन कौन सी बीमारियों में आप इसे ले सकते हैं, इसे लेने का सही विधि क्या है, सही मात्रा क्या है, या फिर आपने इसका सेवन कब करना है, किस चीज के साथ इसे लेना है, इसकी सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये जो रासायनिक चूर्ण है इसके अंदर तीन इंग्रेडिएंट मौजूद है। तो इसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है गोखरू। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। आंवला का जो फल होता है वह इसमें इस्तेमाल किया गया है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है गिलोय। गोखरू, आंवला, गिलोय, इन तीनों चीजों को समान मात्रा में इस रसायन चूर्ण में मिक्स किया गया है। इन तीनों को आप 50-50 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं, 100-100 ग्राम की मात्रा में लेकर एक साथ मिला सकते हैं। तो आप इसे अच्छी तरह से छांव में सुखा लीजिए, बाद में इसका कपड़ छान कर लीजिए, यानी कि इसे बहुत अच्छे से कपड़े में छान लीजिए, फिर कांच की किसी भी बोतल में भर कर रख लीजिए। ये बहुत ही सस्ती दवाई है, आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं, आसानी से बन जाती है, लेकिन इसके अनगिनत फायदे हैं। तो चलिए जानते हैं वाग्भट ऋषि जी के अनुसार रसायन चूर्ण से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा है दोस्तों, ये हमारे शरीर में सातों धातुओं को बढ़ाता है, धातुओं को बढ़ाने वाला है। हमारे शरीर में जो रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी धातुओं को ये बढ़ाता है। ये शुक्र धातु को बढ़ाता है, वीर्य को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को इससे संबंधित कोई समस्या है तो वे इसका सेवन जरूर करें। साथ ही जो सातों धातुओं का सार है, यानी कि औज है, जो हमारे अच्छी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, तो उसको भी बढ़ाने के लिए जो ये रासायनिक चूर्ण है बहुत मददगार है। दूसरा फायदा जो वाग्भट ऋषि जी ने कहते हैं कि शरीर में जो भी बीमारियां हैं वह दुख का कारण है, तो इनको शांत करने के लिए रासायनिक चूर्ण बहुत मददगार है। अब देखिए, जो इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है यानी कि गोखरू, तो ये बॉडी में जो नेचुरल टॉक्सिन्स है उसको निकालने के लिए यूरिन के द्वारा ये बहुत ही अच्छे से मदद करता है। तो जिनको भी पेशाब से संबंधित कोई समस्या है, पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होती है, पेशाब करने के लिए बार बार जाना पड़ता है, या फिर जिनको रुक रुक कर पेशाब आता है, या फिर जिनको पथरी की समस्या है, तो वे सभी लोग इस रासायनिक चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। साथ ही जिनको हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, या फिर जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप रासायनिक चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। तीसरा फायदा जो वाग्भट ऋषि जी ने बताया है, जो व्यक्ति इस रसायन चूर्ण का सेवन करते हैं वो 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अब देखिए, इस रसायनिक चूर्ण में जो तीन औषधियां, ये तीनों ही रसायनिक हैं। आंवला जो है वो हमारी आयु को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक इंद्रियों का बल भी वह बढ़ाता है। और जो गिलोय है, इसको तो संजीवनी यानी अमृता कहा गया है, तो ये बहुत ही आयुर्वेदिक रासायनिक औषधि है। इन तीनों के सेवन से हम दीर्घ आयु को प्राप्त करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इसके साथ ही साथ ये शरीर में कफ को बढ़ाती है, जी हाँ, लेकिन अच्छे कफ को, जो शरीर में स्थिरता बनाए रखता है, उस कफ को ये बढ़ाती है। तो तीनों प्रकृतियों के लोग इसे ले सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे बालों को काला बनाए रखने में मदद करती है। देखिए, जो वात दोष शरीर में बढ़ता है उसके कारण
बालों का झड़ना, पित्त के कारण बालों का सफेद होना ऐसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। तो इन सभी अवस्थाओं में रसायन चूर्ण बहुत फायदेमंद है। तो चलिए अब देखते हैं अमृत के समान जो इतने सारे फायदे देने वाला रसायन चूर्ण है, इसके सेवन की सही विधि क्या है। ये जो रसायन चूर्ण है इसकी मात्रा है 3 से 5 ग्राम। अब देखिए उम्र के अनुसार या फिर अवस्था के अनुसार, आपके शरीर की बीमारी के अनुसार आपने इसकी कम या ज्यादा मात्रा लेनी है। तो इसे आप सुबह जितनी जल्दी ले सकते हैं उतने अच्छा है, क्योंकि रसायन औषधि सुबह निर्णय काल लेते हैं तो इसके फायदे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो सुबह जल्दी उठकर आपने इसका सेवन करना है। तो सुबह इस रसायन चूर्ण को 1/2 से 1 चम्मच की मात्रा में आपको शहद या घी के साथ लेना है। जिन लोगों के शरीर की प्रकृति कफ वाली है उन लोगों ने इसका सेवन शहद के साथ करना है, और जिन लोगों के शरीर की प्रकृति वात या पित्त वाली है वो घी के साथ या शहद के साथ दोनों ही कंडीशन में इसका सेवन कर सकते हैं। घी के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से ये जो मिश्रण है, इस तरीके से अगर आप प्राकृतिक तौर पर सेवन करते हैं रसायन चूर्ण का, तो बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। आप इसका इस्तेमाल 15 दिन तक जरूर कीजिए। 2 दिन के इस्तेमाल से ही आपको अपने शरीर के अंदर फर्क दिखने लगेगा। दोस्तों ये जानकारी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप और चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।